हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इसलिए तो हम कहते हैं राजनीति अफसर का खेल है, लेकिन क्या किसी की मौत पर राजनीति होनी चाहिए? इसका जवाब तो ना है, लेकिन ये सवाल महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक उठ रहा है। शुक्रवार को ही एबीपी न्यूज ने सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह के हवाले से ये आपको बताया था कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की हलचल देखी जा रही है। शनिवार को ही मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की एक मुलाकात हुई। सुशांत की मौत की सीबीआई जांच को लेकर बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग लड़ रहे थे। अब खबर यह है कि वो गले मिलने की तैयारी में। हालांकि इसे लेकर जब शिवसेना से सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो बैकफुट पर आती दिख रही है। कल संजय राउत खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उम्मीद है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस के साथ अपनी मुलाकात और बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाने की खबर का सच, बिल्कुल सच सच बताएंगे। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस बीच बड़ी खबर यह है कि सीबीआई अब सुशांत के परिवार से भी पूछताछ करने वाली है। सुशांत ने अब तक इस मामले में कोई बयान सुशांत को लेकर सीबीआई की तरफ से नहीं जारी किया था, लेकिन आज बयान जारी किया सीबीआई ने। ऐसी खबर है कि सुशांत की बहनों और उनके जीजा से पूछताछ हो सकती है। ये पूछताछ रिया चक्रवर्ती की तरफ से दर्ज कराई गई जो एफआईआर है उसको आधार बनाकर हो सकती है। सुशांत को इस दुनिया से गए 100 दिनों से ज्यादा हो गए। मुंबई पुलिस ने आत्महत्या से जांच शुरू की, बिहार पुलिस हत्या का एंगल लेकर आई, फिर करोड़ों की रकम की जांच के लिए ईडी ने एंट्री की, फिर सुशांत की मौत का सच जानने सीबीआई आ गई, और सीबीआई के जांच करते करते ड्रग्स एंगल ने एनसीबी को भी जांच का मौका दे दिया। लेकिन सुशांत से जुड़ी सारी जांच के बीच सुपर एक्टिव रही राजनीति। इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है। अगर महीने दो महीने में या तीन महीने में अगर महाराष्ट्र की सरकार टूट गई और फिर से शिवसेना और बीजेपी की सरकार बन गई तो जरूर बहुत गंभीर बात होगी। सवाल है, क्या सुशांत के बहाने महाराष्ट्र में सरकार बदल जाएगी? क्या महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार बनेगी? और क्या सुशांत का परिवार भी सीबीआई के शक के दायरे में आ गया है? इन तीन सवालों में सबसे पहले आखिरी सवाल का जवाब जान लीजिए। 41 दिनों की पड़ताल के बाद सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई सुशांत की बहन प्रियंका, नीतू और उनके जीजा और आईपीएस अफसर ओपी सिंह से पूछताछ करेगी। इन तीनों के अलावा दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार से भी पूछताछ होगी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कुछ बोलकर जाएं कि संतुष्ट हैं आप इस पूरी जांच से, जो सीबीआई की जो जांच है? आपको आप सीबीआई जांच चाहते थे, सभी एजेंसी इन्वॉल्व हो गई हैं। दीदी बस एक दो सवाल का जवाब दी जाइए। सूत्रों के मुताबिक जांच हत्या से होते हुए आत्महत्या की तरफ लौट रही है, इसलिए सीबीआई का फोकस इस पर टिका है कि सुशांत की मौत का जिम्मेदार कौन है। सीबीआई के एक आला अधिकारी ने बताया कि अब तक की जांच के दौरान सीबीआई के सामने दो लोग हैं, एक रिया और दूसरा सुशांत का परिवार, और दोनों ही लोगों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है, एक या दोनों, अब इस पर जांच शुरू की जाएगी। सीबीआई को ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे सुशांत का परिवार जांच के दायरे में आ रहा है। इनमें सबसे अहम सबूत है सुशांत की बहन प्रियंका से हुई चैट। चैट में प्रियंका सुशांत को अपने जान पहचान वाले डॉक्टर से डिप्रेशन की दवा की पर्ची भिजवाने को कह रही हैं। रिया ने इसी प्रेस्क्रिप्शन की चैट को आधार बनाकर प्रियंका के खिलाफ क्रॉस एफआईआर कराई थी। आरोप है कि प्रियंका के कहने पर यह प्रेस्क्रिप्शन दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार ने लिखी थी। अब सीबीआई तरुण कुमार से पूछताछ करेगी कि किस आधार पर उन्होंने सुशांत के लिए ये दवाइयां लिखी। सुशांत के जीजा ओपी सिंह पर आरोप है कि उन्होंने जुलाई 2020 में सिद्धार्थ पिठानी को फोन कर रिया के खिलाफ
बयान देने को कहा था। और सबसे अहम बात यह है कि सुशांत के जितने भी बैंक खाते हैं, उन बैंक खातों में उनकी बहनें ही नॉमिनी हैं। इसमें तो ये बैकग्राउंड दिख रहा है कि ये कई दिनों से दवाइयां ले रहा था। ही वॉज अंडर डिप्रेशन, ही वॉज अंडर एंग्जाइटी, और रिया का कहना यह है कि वो इसी चीजों की वो भी ट्रीटमेंट करवा रहा था डॉक्टर से, बट ही वॉज वेरी केयरलेस। तो इन सारा ओवरऑल इम्पैक्ट उसके माइंड सेट पर यह पड़ा, वो डिप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाया। सीबीआई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कि जांच को भटकाया जा रहा है, हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश हो रही है। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए आज पहली बार सीबीआई ने इस मामले में बयान जारी किया और कहा, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से संबंधित जांच पेशेवर तरीके से की जा रही है, सभी पहलुओं को देखा जा रहा है और किसी भी पहलू को खारिज नहीं किया गया है, जांच जारी है। सीबीआई पिछले 41 दिनों से मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक उसके हाथ कुछ ठोस नहीं लगा। लेकिन इतना जरूर है कि सुशांत को लेकर बिहार से महाराष्ट्र तक नए सियासी गठबंधन जरूर बनने लगे हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर पिछली स्टोरी में हमने 3 सवाल उठाए, इनमें से आपको आखिरी सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन 2 सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। वो सवाल थे कि क्या सुशांत के बहाने महाराष्ट्र में सरकार बदल जाएगी, और क्या महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना दोबारा सरकार बनाएंगी। इन दोनों सवालों का सुशांत की मौत की मिस्ट्री से बेहद गहरा नाता है। हम चाहते हैं कि आप हमारी ये रिपोर्ट देखें और ये जानें कि कैसे सियासत हर मौके को अपने हक में भुनाने की कोशिश करती है। सत्ता स्थापना के लिए शिवसेना के साथ हमारी कोई भी चर्चा नहीं चल रही। एक दूसरे से मिलने की संस्कार और संस्कृति महाराष्ट्र के राजनीति में है। पत्रकार की हैसियत से अगर कोई इंटरव्यू लेना चाहते हैं, इसमें हर्ज क्या है? सरकार अपने कारनामों से गिर जाएगी, और गिरने के पहले ही अगर शिवसेना इधर आ जाती है तो बहुत अच्छा हुआ। पिछले 10 महीनों से जो चेहरे पानी पी पी कर एक दूसरे को कोस रहे थे, वो अब अपनी संस्कृति की दुहाई देकर एक दूसरे से मिलने लगे हैं। शनिवार को हुई उनकी मीटिंग ने महाराष्ट्र में हलचल बढ़ा दी है। मुंबई के ग्रैंड हयात में हुई देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत की मुलाकात के बाद चर्चा गर्म है कि बीजेपी और शिवसेना फिर से एक होना चाहते हैं, लेकिन जब तक कुछ ठोस हाथ नहीं लगता, दोनों दल इसे छुपा कर ही रखना चाहते हैं। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहता हूँ, सत्ता स्थापना के लिए शिवसेना के साथ हमारी कोई भी चर्चा नहीं चल रही, गठबंधन की कोई भी चर्चा नहीं चल रही, और गठबंधन की चर्चा करने का कोई कारण भी नहीं है। ये सरकार अपने वजन से एक दिन चरमराएगी। ये कोई नॉर्थ की राजनीति नहीं है कि जो हमारा विचार का नहीं हो हमारा दुश्मन बन गया। हम हमेशा एक दूसरे से मिलने की संस्कार और संस्कृति महाराष्ट्र के राजनीति में है। तो क्या शिवसेना के डीएनए में एनडीए है, और सुशांत से लेकर कंगना विवाद तक शिवसेना से एनसीपी और कांग्रेस ने जो बेरुखी दिखाई, उसने शिवसेना को बीजेपी के करीब पहुंचा दिया। चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार जब से आई वो हिचकोले ही खा रही है। सुशांत मामले में आदित्य ठाकरे का नाम आया तो शिवसेना का बचाव करने की जगह कांग्रेस एनसीपी चुप रहे। जब कंगना विवाद हुआ तब भी सहयोगियों ने कदम पहले पीछे खींचे। कोरोना को लेकर सरकार के मैनेजमेंट पर अपनों ने ही सवाल उठाए। अधिकारियों के तबादले में आपसी खींचतान सतह पर आ गई। ये भी कहा जाता है कि सीएम तो उद्धव हैं, पर सरकार पवार चलाते हैं। इन्हीं वजहों से लगता है कि शिवसेना अपने ही घर में अनाथ और लाचार हो गई, इसीलिए बीजेपी मदद का हाथ बढ़ा सकती है। अपने वजन से एक दिन चरमराएगी, जिस दिन नीचे आएगी उस दिन अल्टरनेट सरकार कैसी देने इसका हम फैसला जरूर करेंगे। हम कोई सरकार में आने की जल्दबाजी में नहीं है, और ऐसी सरकार के साथ कोई समझौता भी हम नहीं करने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि परिस्थितियां ऐसी है कि मेरी मुलाकात के अलग अलग अर्थ कुछ लोगों ने निकाले, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये थोड़ा टाइमिंग गलत है। मुझे पता था कि लोगों का गुस्सा है, पर इतना गुस्सा है ये मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं वापस कहना चाहता हूं इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है। राजनीति में सारा खेल ही टाइमिंग का है,
लेकिन सूत्र बताते हैं कि बीजेपी जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि शिवसेना का एक गुट चाहता है कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाना चाहिए, क्योंकि दोनों नेचुरल पार्टनर हैं। खबर ये भी है कि एनसीपी भी बीजेपी के संपर्क में है। डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ खुलकर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। शिवसेना ने वापिस बीजेपी के साथ आरपीए के साथ आना चाहिए, और बीजेपी शिवसेना आरपीए एक साथ आती है तो भी सरकार बनेगी, अगर शिवसेना साथ में नहीं आती है तो माननीय शरद पवार जी भी एनडीए में आने का विचार कर सकते हैं। अगर वो एनडीए में आते हैं तो यहाँ भी मतलब बीजेपी के साथ सरकार में रहेगी, और दिल्ली में भी मतलब उनको सत्ता का कोई पद भी मिल सकता है। ये मिलन उतना आसान भी नहीं, क्योंकि इसमें कई पेच हैं। सबसे बड़ा विवाद है सुशांत को लेकर। महाराष्ट्र सरकार सुशांत केस की जांच सीबीआई को नहीं देना चाहती थी, लेकिन बिहार और केंद्र सरकार सीबीआई जांच के पक्ष में थे। सुशांत विवाद को बीजेपी ने अपने तरीके से कैश कराया, जिससे उद्धव ठाकरे की छवि एक नौसिखिए सीएम की बनी। उसी बगल देवेंद्र फडणवीस को बिहार का बीजेपी प्रभारी बनाया गया, इसीलिए सुशांत के परिवार को जांच में राजनीति दिखने लगी है। तो क्या आपको लगता है कि अब इन्वेस्टिगेशन राजनीति की तरफ ज्यादा जा रही है? अगर महीने दो महीने में या तीन महीने में अगर महाराष्ट्र की सरकार टूट गई और फिर से शिवसेना और बीजेपी की सरकार बन गई तो जरूर बहुत गंभीर बात होगी। सुशांत केस की जांच के बहाने महाराष्ट्र में सियासत की सेटिंग होती दिख रही है। लड़ाई सत्ता में आने और बने रहने की है। सहयोगी कौन बनेगा, ये भविष्य के नफे नुकसान को देखते हुए तय होगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये सब सुशांत के नाम पर हो रहा है। और इसलिए तो बार बार कह रहे हैं, कहाँ है जस्टिस फॉर सुशांत।